सऊदी में। अच्छा वहाँ से लाइसेंस आने के बाद यहाँ क्या इंटरव्यू होते हैं, क्या ट्रेनिंग होता है यहाँ पे? इधर स्कूल जाना पड़ता है 10 दिन। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगा एक ट्रक ड्राइवर है, उनसे पूछेंगे भाई आपका लाइसेंस बना कैसे और कितने दिन में मिला, पूरा इंटरव्यू लेते हैं उनसे। चलो देखते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, देखते हैं पहले बात करेंगे या नहीं करेंगे, फिर उनसे हम बात करेंगे। और हमारे भाई साहब हैं, कहाँ के हैं अभी पूछेंगे। सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? थोड़ी मुझे जानकारी चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल है, वीडियो ना तो दिक्कत। इंडिया से कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको आके? 10 साल। 12 जाओ। तो आप कहाँ से हो? मैं इंडिया बिहार से। इंडिया बिहार, आपको यहाँ कितना दिन हो गया? मेरा 10 साल हो गया। यही मतलब कंपनी में काम करते हो? नहीं, कंपनी में, एक ही कंपनी में 10 साल हो गया। भाई एक ही कंपनी में 10 साल हो गया भाई जी को। और सैलरी क्या आपका? सैलरी मेरा 1500 प्लस 500 है, यानी कि 2000। 1500 सैलरी है प्लस मतलब कि 500 रियाल अलग से खाने पीने का। खाने का है, ओवर टाइम पकड़ लो, ओवर टाइम प्लस ओवर टाइम है जितना कर लो। और ये गाड़ी चलाते हो सिर्फ, दूसरा भी काम कोई नहीं? यही गाड़ी चलाते हैं, कभी इमरजेंसी हो गया तब वो बस छोटा वाला है। भाई ये गाड़ी भाई जी देख सकते हो, ये क्या बोलते हैं गाड़ी को? कैंटर है, ये कैंटर है यहाँ पे जो बोलते हैं, और अपने यहाँ जो बोलते हैं पिकअप सिकअप। हाँ पिकअप हुई, डीसीएम उसीएम है ना। और लाइसेंस कैसे बन गया आपका? मैं तो सऊदी से 2 साल उधर था, उसके बाद इधर आया। तो मतलब सऊदी में थे कहाँ पर? मैं उधर सऊदी में रियाद में था 2 साल। सऊदी में रियाद में? यही एक कंपनी में। हाँ कंपनी में था, उधर सेल्समैन में था, लेबर कंपनी। तो वहाँ लाइसेंस था पहले से? हाँ उधर ही जाके बनाया, सऊदी में। अच्छा वहाँ से लाइसेंस आने के बाद यहाँ क्या इंटरव्यू होते हैं, क्या ट्रेनिंग होता है यहाँ पे? इधर स्कूल जाना पड़ता है 10 दिन के लिए। हाँ यहाँ स्कूल में मतलब कि गाड़ी ट्रेनिंग होता है, कंप्यूटर सब होगा, टोटल चीज़ होगा लाइसेंस होने के बाद भी टोटल होगा। भाई बहुत से लोग कमेंट करते थे कि लाइसेंस होता है हमारे पास लाइसेंस में, और उसके बाद हम कैसे वहाँ पे जानकारी करें, यानी कंप्यूटर का टेस्ट या तो गाड़ी का टेस्ट। तो वहाँ आपका सऊदी का लाइसेंस है, अगर कंपनी में काम करते तो आपको सारे टेस्ट वहाँ पर देना पड़ेगा। जी यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पर यानी कि कंप्यूटर भी और रोड भी टेस्ट देना पड़ेगा लाइसेंस होने। अच्छा तो क्या फर्क हो जाता है, फीस में कुछ फर्क रहता है लाइसेंस होने के बाद भी? नहीं नहीं वो अपना क्लास लेने के ऊपर है, जैसे कि नया हुए तो आपको 1.5 महीने का लेना पड़ता है, आपको ऊपर है अगर पुराना आपके पास ये है तो 10 दिन लेना पड़ता है। अगर आपके पास लाइसेंस है सऊदी का तो 10 दिन के अंदर आपको मतलब टाइमिंग मिल जाएगा। अगर नए 10 साल का पहले जो नियम था ना, जैसे सऊदी का लाइसेंस लेके आए इधर आई टेस्ट कराए मिल गया। हाँ, हाँ। लेकिन 10 साल पहले जब हम आए तो चेंज हो गया था, उसके बाद स्कूल जाना लेकिन अभी मैं बनवाया, मुझे बनवा के लाइसेंस 1.5 महीना हो गया हाउस ड्राइवर का। जी तो मेरे पास सऊदी का लाइसेंस था पहले से, अब मैं गया और मुझे लाइसेंस मिल गया आधे घंटे के अंदर। मतलब ये मुझे लग रहा है ये हाउस ड्राइवर के लिए सिर्फ बना हुआ है? नहीं नहीं वो आपका सारा काम घर बैठे हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब कंपनी में कैसे लाइफ चल रही है आपको? ठीक ठाक है चल रही है। 10 साल से की कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत भी है तो कुछ बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा, तब तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है ना। नौकरी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नौकरी का मतलब क्या है? बर्दाश्त करना, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे नौकरी नहीं। अभी टाइम टेबल नहीं है, कब किधर भेज देगा कोई ठीक नहीं है। हम लोग का 4 बजे ड्यूटी है, 4 बजे खत्म हुआ उधर से इधर भेज दिया। मतलब कि नौकरी में तो यही तो है भाई, ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है, जिस टाइम जरूरत पड़ेगा कपिल को बुला लेंगे। कपिल कोई भी हो या इंडिया में हो या इधर भी हो, जरूरत है तो उनको बुला लेंगे, भले तो ओवर टाइम में जोड़ लें या कैसा भी जोड़ लें, क्योंकि उनका काम होना चाहिए। तो भाई ये रही कहानी, अगर आप आते हो कतर के अंदर डिलीवरी में या कंपनी में तो लाइसेंस आपके पास है सऊदी का, तो आपका जो लाइसेंस बनेगा 10 दिन यानी कि जो टाइमिंग होगा 10 दिन के बाद का भी मिल जाएगा, 10 दिन के अंदर का मिल जाएगा है ना। नहीं तो लाइसेंस नहीं है आपके पास तो 3 महीना 4 महीना 5 महीना अब आपके ऊपर है। मैं तो सुना किसी को 6 महीने 8 महीने के बाद टाइमिंग मिल रही है, 6-6 महीने तक लग जाता है, कई कितना जगह मैंने बहुत पैसा खर्चा होता है। और शायद इस टाइम बंद भी है, अभी बंद है, फीफा वर्ल्ड कप जैसे अभी बंद है, अभी जनवरी 22 जनवरी के बाद से कुछ चालू होगा भाई। अभी इस टाइम बंद भी है और कहीं पर भी हो इस टाइम तो भाई भीड़ ना लगाएं कतर के अंदर, अगर हमारी वीडियो देख रहे हो कहीं पर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आने का भी दिक्कत है ना, 1 तारीख से कोई भी नहीं आ सकता है। आगे वो काली गाड़ी नया बंदा नहीं आ सकता, जिसके पास आईडी है कतर आईडी वही आ सकता है, कतरी आ सकता है जिसके पास वो
फुटबॉल का खेलने का टिकट है, फीफा कार्ड है हाँ। वो साथ में है तो आ सकता है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं आ सकता है। भाई अभी ये 1 तारीख से बंद हो जाएगा, नया बंदा कोई भी नहीं आ सकता है कतर के अंदर। सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो यहाँ पे मैच देखने आएंगे, वही लोग आ सकते हैं जिनके पास कार्ड है, जिनके पास टिकट है, और कोई भी नया बंदा नहीं आ सकता है 3 महीने तक। जी जी, 22 जनवरी के बाद से, 22 जनवरी के बाद से आ सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये रही छोटी जानकारी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और